कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का संभाग स्तरीय महासम्मेलन राजनांदगांव शहर में आयोजित किया गया है। महासम्मेलन का आयोजन शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में किया गया। इस आयोजन में पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चोलेश्वर चंद्राकर शामिल हुए। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार प्रसार सहित पिछड़े वर्गों को एकजुट करने की दिशा में कार्य करने को लेकर चर्चा की गई। राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख सहित जिला और ब्लॉक के अध्यक्ष भी सम्मेलन में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के वजह से, यहाँ के नेताओं की वजह से, और यहाँ के जो माटी पुत्र जिस प्रकार से कौशल्या माँ की सेवा करने का जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, भाचा राम का जो हम लोगों ने सेवा लिया है, यही धरातल पर हम उतर के जनता के बीच में जाएंगे। और अधिकतर किसान वर्ग ओबीसी वर्ग से आते हैं। आज 20 क्विंटल धान खरीदने की बात की है, 2800 रुपये में धान हमारे सरकार खरीद रही है। मजदूरों की सरकार है, किसानों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है। ये सारे मुद्दों को लेकर हम धरातल पे जाएंगे और 71 सीट की जो सरकार बनी है आने वाले दिनों में 75 पार करेंगे और भूपेश बघेल जी की सरकार पुनः दोबारा यहाँ रिपीट होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो पिछड़े वर्ग से ही आते हैं, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण भी तैयार होता है, उस राज्य के विकास की स्थितियां भी निर्मित होती है। चूँकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी संख्या ज़्यादा है, इसी के आधार पर मांग भी की गई थी आरक्षण की। सरकार ने 27 प्रस्ताव विधेयक भी पास किया था, लेकिन कहीं न कहीं मोदी सरकार, चाहे रमन सिंह जो भी हो, जिन्होंने भी इस पर आपत्ति लगाकर इसको रोका गया। उद्देश्य था पिछड़ा वर्ग को उसके अधिकार नहीं देना, इसी अधिकार को मांगने के लिए और सबको संगठित करने के लिए